नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और तस्वीरें आप देख रहे हैं चोपता नाथूश्री चोपता की अनाज मंडी की, और अक्सर ही अनाज मंडी चर्चाओं में रही है कि इलाहाबाद क्षेत्र राजनीतिक तौर पर बहुत प्रभावशाली हल्का हरियाणा की राजनीति में रहता है। और यहाँ पर जो बात करें उपचुनाव की, तो अवेश सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर किसान आंदोलन के दौरान एक बड़ा चर्चा का विषय पैदा किया था। इसी अनाज मंडी में एक बड़ी रैली का आयोजन भी उस दौरान किसान मूवमेंट में हुआ था। उसके बाद भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक रैलियां होती रही हैं, लेकिन एक और नई रैली यहाँ होने वाली है, कांग्रेस की रैली। और संतोष बेनीवाल जो दड़बा गांव की सरपंच हैं, राष्ट्रीय जो सरपंच यूनियन के उसके उपाध्यक्ष हैं, उन द्वारा एक आयोजित रैली की जा रही है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता आने की संभावनाएं हैं। और इस पर हमारे साथ अब 3 मार्च को रैली होनी है, उससे पहले रैली की तैयारियां जोरों शोरों पर है। संतोष बेनीवाल हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे बातचीत भी करेंगे कि रैली के मायने क्या हैं, रैली को लेकर सरपंच क्या कुछ कहती हैं, वो बातें भी हम आपसे साझी करेंगे। रैली का समय रखा गया है 3 मार्च और आज मौके पे आप निरीक्षण कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे रैली को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आज क्योंकि आप कवर करने के लिए रैली स्थल तक पहुँची हो तो यहाँ पहुँचने पर सभी का स्वागत भी है। और जो रैली का आप पर्पज की बात कर रहे हो, जो हमारी ये जो रैली होने जा रही है यह इलाहाबाद विधानसभा की रैली है, और इसके अंदर हमारी 36 बिरादरी की नेता बहन कुमारी सैलजा जी पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज जो लोगों का मन है, सभी के मन में ये बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसी लाई जाए और कांग्रेस पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए और बहन कुमारी सैलजा जी को सीएम कैसे बनाया जाए। तो क्या मतलब आप क्या विचार रखती हैं इस मामले में? आगामी विधानसभा चुनाव भी वो होने वाले हैं, इलाहाबाद को लेकर आपका क्या मत रहेगा? देखिए, अभी जैसे मैंने लोगों के बीच में गई हूँ और मैंने क्षेत्र गांव कवर किए हैं, इलाहाबाद शहर भी कवर किया है और आम जनता से मैं मिली हूँ। लोगों के अंदर जैसे बीच में गए हैं तो काफी उत्साह है इस रैली को लेके, और लोगों की भावनाएं जुट रही है क्योंकि सभी लोग जो बीजेपी सरकार है इसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये जो लोगों के ऊपर तानाशाही कर रही है, हर लोग हर वर्ग परेशान है इससे, और हर जनता ये चाहती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार। रैली का नाम रखा है जन संदेश, क्या संदेश, किस तरह का संदेश देने के लिए रैली रखी गई है? देखिए, ये संदेश भाजपा पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा, और आप 3 तारीख को देखोगे कि ये जो रैली है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और जो रैली रिकॉर्ड तोड़ती है तो ये भाजपा के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होने वाली है। क्या मानते हैं लोग, किस तरह की परेशानियां आपका गांव-गांव गई हैं, किस तरह की देखोगे? एक तरफ सरकार नौकरियां देने की बात कर रही है, लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, तो आपके सामने क्या समस्याएं हैं जिसे दूर करना चाहिए? देखो, इस सरकार ने 10 साल में और क्या किया है, झूठे वायदे करने के सिवा और कुछ नहीं किया। और मैं इलाहाबाद के लिए 10 साल की बात नहीं करते हुए मैं 20 साल की बात करूंगी, क्योंकि जहां लोगों के बीच में पहुंचे हैं तो इलाहाबाद में विकास की बात आती है, तो 20 साल में भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि इलाहाबाद जहां था वहां के वहां खड़ा है। लोगों के बीच में गए तो ये चीज समस्याएं, हर तरह की समस्याएं सामने आई है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिला है, किस तरह का बताओ, लोगों ने बातचीत हुई है तो क्या लोग चाहते हैं? देखिए, लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह इलाहाबाद का विकास हो, और जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और हमारा देश सुरक्षित था और हर वर्ग जो स्वस्थ और खुश था जो कांग्रेस पार्टी से, आज जनता यही चाहती है कि हर वर्ग खुशहाल हो और सबको उनके अधिकार है वो मिले। आजकल साहिबा एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि हर आदमी को फोन कॉल धमकियां मिल रही हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, सरकार बार बार किसी की जांच करवा रहे हैं, ये क्या मामला है, क्या मानते हैं? देखिए, धमकियां मिल रही हैं क्योंकि आज के दिन जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है, और जो क्योंकि आज के दिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है और वो इस तरह की डकैती करना और किसी पे गोलियां बरसाना, क्योंकि उनको तो अपनी जान की परवाह है नहीं, दो दो पैसे के लोग होते हैं और इतने कोई भी किस तरह भी कोई ऊपर उठने का काम करते हैं, तो उनका यही काम है कि इसको किस तरह मिटाया जाए। तो नशे की जो लत आज लोगों के जो आज के युवा हैं उनमें लगी हुई है। देखिए, सबसे बड़ा हाथ बीजेपी पार्टी का इसमें, और जो पार्टी करवा रही है आज जगह जगह ऐसे गुंडा राज बना के खड़ा कर दिया इन्होंने,
क्योंकि आज के युवा के पास रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा, नशे की गिरफ्त में है और उसको उस टाइम पता ही नहीं होता कि नशे के अंदर वो क्या कर रहा है, क्योंकि आज के युवाओं को बिल्कुल भी सुध नहीं है इस चीज की। दुनिया जी पहले भी कांग्रेस का राज रहा है और आपने कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं कि चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? फैज, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये परसों 3 तारीख को कांग्रेस की संतोष बेनीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस की रैली होने जा रही है। इस रैली में हमने 73 गांव सारे गांवों में सब साथियों को कह दिया है भी रैली माना है और दूसरे हरेक ड्यूटी बसों की लगा दी, हर गांव में 200 के लगभग बसों की ड्यूटी लगा दी। और बहन कुमारी शैलजा जी 3 तारीख को आएंगी और सारी बातें हमें बताएंगी और संतोष जी को हम आगे आने वाले चुनाव में इनको पूरी तैयारियां आगे चुनाव की करवा देंगे और भगवान करे तो MLA भी बन जाएंगे। ये तो कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी आप में? कांग्रेस का सिस्टम बन गया, कोई नए हुड्डा साहब अलग रहेंगे, नए कोई शैलजा अलग रहेगी, सारे इकट्ठे हैं। दिल्ली में मीटिंगें हो रही है रोजाना और मतलब एक जगह चुनाव लड़ेंगे। अभी चंद दिनों में ही इकट्ठी रैली होने जा रही है इनकी। हुड्डा साहब भी वहीं होंगे, शैलजा भी वहीं होंगे और सारे लीडर वहीं होंगे, सबकी इकट्ठी रैली होगी। 3 मार्च को बहन कुमारी शैलजा जी की रैली है, उसका एकमात्र का हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा में CM शैलजा हो और एलनाबाद क्षेत्र के विधायक संतोष बेनीवाल हो, जो पढ़े लिखे युवा नौजवान और महिला सरपंच जो हरियाणा की शेरनी के नाम से जानी जाती है, तो ऐसे शिक्षित और विकसित आदमी को इस क्षेत्र का विधायक बनाने के लिए हमारा एक ही टारगेट है कि 3 मार्च को जो ये सबसे बड़ी रैली होगी संतोष जी के नेतृत्व में, ये हमारी बहन जी से शैलजा जी से गुजारिश है कि इनको यहाँ से टिकट दें और हम यहाँ से विधायक बनाएं और कुमारी शैलजा इस रैली से, जन संदेश रैली से हरियाणा में जो संदेश दे रहे हैं वो संदेश हमारा अर्जुन का जो संदेश था कि मछली दिखाई नहीं देती, हमें आँख दिखाई देती है, तो हम जो इस रैली जन संदेश और जन संदेश यात्रा जो शैलजा ने की है उसमें एक ही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा हों और इस हलके का विकास करने के लिए नौजवान युवा दिलेर दबंग पढ़ी लिखी संतोष बेनीवाल यहाँ की विधायक हो। थैंक यू। ये हमारे साथ संतोष बेनीवाल और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान लादूराम पूनिया समस्त कई कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि 3 मार्च को होने वाली रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। आपको बता दें कि इस पंडाल में एक भव्य रैली 3 तारीख को कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, जिसका नेतृत्व संतोष बेनीवाल, जिनको दबंग सरपंच कहा जाता है और दड़वा गांव की सरपंच हैं, राष्ट्रीय सरपंच यूनियन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो इस रैली का नेतृत्व कर रही हैं। कुमारी शैलजा यहाँ मुख्य अतिथि होंगी और वो तो आने वाला समय बताएगा कि ये राजनीतिक ऊंट है किस करवट बैठता है। लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी ध्वनि शर्मा के साथ, धन्यवाद।